यूनिवर्सिटीज के फाइनल एग्जाम को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश भर के 31 छात्रों ने यूजीसी से फाइनल एग्जाम न कराने का अनुरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा था। बता दें कि यूजीसी ने संशोधित शेड्यूल में सितंबर से एग्जाम कराने की बात कही थी। इस पूरे मामले में देश भर के स्टूडेंट्स एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। जानिए छात्रों के विरोध की वे 7 बड़ी वजह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण वजह की बात करें तो छात्र ये कह रहे हैं, जहां एक और कुछ राज्यों ने परीक्षाएं करा दी हैं, वहीं दूसरे राज्य में परीक्षा होने से दोनों राज्यों के छात्रों के अंकों और रिजल्ट में अंतर आएगा। इससे उनके बीच बराबरी के अवसर कम हो जाएंगे। इन्हीं खास वजहों को लेकर छात्र लगातार यूजीसी से परीक्षाएँ न कराने का अनुरोध कर रहे हैं। मुंबई विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने आज तक से बातचीत में कहा कि देश भर के कॉलेज होली की छुट्टियों के दौरान ही बंद हो गए थे। उसके बाद देश भर में लॉकडाउन होने से छात्रों को घर जाना पड़ा। किताबें हॉस्टल के कमरों में बंद है। 20-30% पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में 20% सिलेबस पढ़कर हम परीक्षा कैसे दे सकते हैं। छात्र इस वजह से बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है। नंबर 3, छात्र एक खास वजह ये भी बता रहे हैं कि एग्जाम में पहले से ही देरी हो चुकी है। अब परीक्षाओं के आयोजन और रिजल्ट आने में जो वक्त लगेगा, उससे उनके करियर को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अभी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बंद होने वाले, इसके अलावा प्लेसमेंट में भी वह नहीं जा पा रहे। नंबर 4, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बताया कि ऑफलाइन परीक्षा से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। हाल ही में हुई एक परीक्षा में ऐसा देखा गया कि बड़ी संख्या में छात्रों के इकट्ठा होने से पेंडेमिक प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन नहीं हो सका। नंबर 5, छात्रों को फाइनल ईयर परीक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करनी होगी। इसके बाद वे हॉस्टल या किराए के कमरों में आकर अगर रहते भी हैं तो दोनों ही जगह संक्रमण के खतरों को रोका नहीं जा सकता। नंबर 6, साथ ही छात्र ये भी वजह बता रहे हैं कि सभी कोर्स के स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स के ऑनलाइन लेक्चर हैं, लेकिन बाकी कोर्स जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे पारंपरिक कोर्स का कोई स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। एंड लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लिस्ट, इंटरनेट कनेक्टिविटी। नंबर 7, हाल ही में NSO इंडिया का सर्वे है कि 5 से 24 वर्ष की उम्र के बीच के केवल 8% लोगों के पास इंटरनेट और लैपटॉप दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। डॉक्टर APJ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र कहते हैं कि हम लोग फ़ोन के माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं, वह भी कोई बहुत अच्छे हाईटेक फ़ोन नहीं है, और जिसके कारण अधिकांश छात्र ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सकते। एंड ओवरऑल एक रीजन में और बताना चाहूँगी, छात्र कह रहे हैं कि ये उनके लिए आर्टिकल 21, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसके अधिकारों का उल्लंघन है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट फीडबैक के रूप में ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम्स टू टाइम पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।